आज रायसेन जिले के मंडीदीप में सामुदायिक भवन में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट श्रीमान मनोज जौहरी रहे। वहीं हम आपको बता दें, जौहरी जी वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य शाखा राज्य में चेयरमैन के पद पर हैं। मनोज जौहरी पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया, नए साल की शुरुआत मंडीदीप नगर में रक्तदान शिविर से की जा रही है। हमारी और भी कई शाखाएं हैं जहां पर भी रक्तदान शिविर लगाया जाता है। वहीं आज के इस रक्तदान कार्यक्रम में कई युवाओं और महिलाओं ने भी रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। वहीं इस आयोजन में राजा जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा राजा जैन और साथ में कई गणमान्य समाज सेवी मौजूद रहे। अजय आहूजा, तहलका इंडिया न्यूज, भोपाल। सर, आपका परिचय? मेरा नाम मनोज जौहरी है। ओके। और विगत 35 वर्षों से मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश राज्य शाखा पे राज्य चेयरमैन के पद पर कार्य कर रहा हूँ, और साथ ही मैं राष्ट्रीय स्तर पे जो राष्ट्रीय संस्था हमारी, उसमें मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा कि इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप सब लोग आए हैं। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो युवाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है। हम लोग सिर्फ ट्रैकिंग या एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ही काम करते थे, पर अभी हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरे राष्ट्र में ब्लड डोनेशन कैंप अपनी यूनिट के माध्यम से शुरू किया। और मुझे ये बताते हुए बड़ा अत्यंत हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश की 18 यूनिट में से 16 यूनिट, जिसमें ये हमारी मंडीदीप इकाई भी शामिल है, हम लोगों ने अभी तक 500 से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स का कलेक्शन कर लिया है। ये कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में किया जा रहा है। हमारे करीब 350 यूनिट पूरे राष्ट्र में हैं जो इस कैंप को अलग अलग, मतलब 12 जनवरी से हमने शुरू किया, आज इस कैंप का हमारा अंतिम दिन है। और इसमें हमने, जैसा आप सबको मालूम है, कोरोना के टाइम पे रक्त की बहुत कमी हो गई थी, सभी ब्लड बैंकों में ये क्राइसिस था, तो उस क्राइसिस को पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम साल की शुरुआत एक अच्छे कार्य से करें, एक महादान के कार्य से करें। रक्तदान, जैसा कहा जाता है, रक्तदान से बड़ा कोई दान इस दुनिया में नहीं होता है। तो हमारी इकाइयों ने, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने ये तय किया कि हमें एक रक्तदान शिविर बेहतर रूप से करना चाहिए, और जिसका परिफल है कि हम करीबन 1500 यूनिट अभी तक इकट्ठी कर चुके हैं, जो कि हमने ब्लड बैंक को, सरकारी ब्लड बैंक को और रेड क्रॉस को हमने जमा किया। ये सभी इकाइयों का, सभी हमारे वॉलंटियर्स का, हमारे पदाधिकारियों का, हमारे मेंबर्स का एक मिला जुला प्रयास था जो हम कर पाए हैं, और उसके कारण ही आज हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि यूथ हॉस्टल केवल ट्रैकिंग ही नहीं करता है, सामाजिक दायित्व को भी निभाता है और रक्तदान जैसे महान कार्य में भी अपनी भागीदारी करता है। देखो, ये हमारा मिला जुला एक प्रयास है जो हमारे भारत देश में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। युवा जयंती पे स्वामी विवेकानंद जी का जो जयंती थी, उस पर सारी यूनिटों ने मिलकर ब्लड दान, मतलब रक्तदान का शिविर लगाने का वो निर्णय लिया। और हमारे प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं माननीय मनोज जौहरी जी, उन्होंने हमें आदेशित किया, उसी तारतम्य में हमने ये लगाया है। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, पैसे का दान और दूसरे दान बहुत छोटे हैं इसके सामने, एक शरीर का हिस्सा है ये, और अगर किसी की जान एक भी बचा देते हम जिंदगी में, तो उस भगवान के प्रति भी हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा उत्तरदायित्व कम होता है। ऐसा सोचकर हमारे यूनिट के जितने सदस्य और पदाधिकारी हैं, सब ने जी जोर लगाकर इस कार्यक्रम को रखा, उसमें सारी व्यवस्थाएं की, उनके भी हम बहुत आभारी हैं और आप लोगों को भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से सहयोग किया, और रक्तदाताओं के तो हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं। हम उनको सबको धन्यवाद भी देते हैं और सद्भावनाएं और सब अपने शुभकामनाएं भी आपको। आदरणीय भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आज आप? ये जो एक रक्तदान का महाशिविर लगा है यहाँ पर, कई ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होगी, क्या कहेंगे आप? यूथ हॉस्टल यूनिट मंडीदीप ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान दे चुके हैं अभी तक, और ये हमारे राष्ट्रीय और स्टेट यूनिट से हमारे मार्गदर्शन मिला था कि हमको कोरोना के देखते हुए खून की कमी हो रही है भारत देश में, और ज़रूरतमंदों को खून देने के लिए यूथ हॉस्टल ने ये पहल की। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कार्यक्रम रखा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती समारोह जिस हिसाब से मन रहा है, उस हिसाब से आज युवाओं में जो जोश दिख रहा है, आज एक घंटे के अंदर यदि 50 यूनिट रक्तदान
अपने युवा करते हैं, तो ये वास्तव में गौरव का विषय है। आज यूथ हॉस्टल की जो इकाई है मंडीदीप इकाई, आदरणीय जोहरी जी भाई साहब, आदरणीय जीवनलाल शर्मा जी भाई साहब, मेरे पति श्रीमान राजा भैया जी, इन लोगों ने और इनकी पूरी टीम ने, कारा भाई साहब सभी लोग बैठे हैं, सभी लोगों ने जो इतना अच्छा प्रयास किया और खासतौर से मंडीदीप में किया, ये मंडीदीप के लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि मंडीदीप में जो सामुदायिक भवन है वहाँ ब्लड का हमेशा कमी रहती है, और कमी के चलते आज जो ब्लड जाएगा वो मंडीदीप सामुदायिक केंद्र के लिए दिया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा हर्ष का विषय है। बाकी सारे भोपाल की यूनिट के लिए तो देते हैं सारे लोग, लेकिन जो यूथ हॉस्टल ने आज किया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं अपनी तरफ से यूथ हॉस्टल एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ, ताकि आगे भी ऐसे कार्यक्रम करें। एक इनका जो ट्रैकिंग का कार्यक्रम होता है वो तो होता ही है, वो तो प्रकृति का संरक्षण और उसका पालन पोषण करने के लिए पूरा लगा ही रहता है गुरु, लेकिन आज जो उससे भी हटकर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद।